स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए सुनाते हैं आपको आज की रेडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंच गया है। यही कारण है कि एक दर्जन से ज्यादा जिलों में 30 अप्रैल को समाप्त हो रहा कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि हमारे लिए एक एक घंटा महत्वपूर्ण है। लोगों की जिंदगी बचाने की दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं। एक एक क्षण का उपयोग करते हुए अस्पताल निर्माण का काम युद्ध स्तर पर पूरा करें। कोरोना का कहर बरकरार है और इस बीच शादियों का भी मौसम है। ऐसे में अलग अलग स्थानों पर शासन प्रशासन ने शादी को लेकर गाइडलाइन दे की है। शादियों में भीड़ न जुटाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा जा रहा है, लेकिन जहां अधिकांश स्थानों पर इस नियम की अवहेलना होती, वहीं प्रतापगढ़ से आई खबर ने सभी को सुखद आश्चर्य में डाल दिया है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए एक दुल्हा साइकिल से अपनी बारात लेकर गया। मध्य प्रदेश के एकमात्र ड्राइव इन सिनेमा में 1 मई से कोरोना टीकाकरण शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर अब आप अपनी कार से जाएं और उसी में बैठे बैठे टीका लगवाएं। यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए हर रोज शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक सुविधाएं होंगी, जहाँ पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा और रोज करीब 300 लोगों का वैक्सीनेशन होगा। देश के जाने माने साहित्यकार मंजूर एहतेशाम का निधन हो गया। भोपाल के रहने वाले मंजूर एहतेशाम को पद्मश्री सहित अनेक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। उनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। कोरोना आपदा से निपटने की कोशिश के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए की जा रही व्यवस्थाओं एवं प्रयासों की जानकारी दी। उज्जैन पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ उनसे 5 इंजेक्शन बरामद किए हैं। कालाबाजारी करने वाले लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन को 30,000 रुपए में बेच रहे थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी से निपटने के लिए और प्रबंधों को लेकर बैठक की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी रोकने के निर्देश दिए हैं। आज की रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह के अपडेट्स के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। धन्यवाद।